आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर राहुल जिंदल जी के साथ, जो कि वैस्कुलर सर्जन हैं और फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर राहुल जिंदल जी मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं और हमेशा ही मरीजों की देखभाल के लिए तैयार रहते हैं। हमारी पंजाब प्लस की टीम ने डॉक्टर राहुल जिंदल जी के साथ विशेष मुलाकात की। पेश है एक रिपोर्ट। स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर राहुल जिंदल जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से एज ए वैस्कुलर सर्जन सेवाएं दे रहे हैं फोर्टीज में। डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू जी। थैंक यू। थैंक यू। डॉक्टर, एक ऐसी ब्रांड जो कि बहुत ही कम मतलब वैस्कुलर सर्जन है हमारे पंजाब में, हिंदुस्तान में, वो आप छू रहे हो, और क्या कहना चाहते हैं कि वैस्कुलर में क्या क्या आ जाती है, कौन कौन सी सर्जरी इसमें आ जाती है? बेसिकली वैस्कुलर सर्जरी एक ये ब्रांच है जिसमें हम अपने नीले और लाल रंग की जो खून की नसें जो हमारे शरीर में दौड़ती हैं, उनमें कोई भी बीमारियां होती हैं तो हम उसको ठीक करते हैं। जैसे आप सब लोगों ने सुना होगा हार्ट अटैक की बीमारी, यू नो, तो हार्ट अटैक उसमें क्या होता है, हमारी लाल रंग की जो खून की नसें हार्ट को सप्लाई करती हैं वो उनको ब्लॉक होती हैं, तो उससे हमारे को हार्ट अटैक हो जाता है। तो वो जितने हार्ट के डॉक्टर होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियक सर्जन, वो क्या करते हैं, हार्ट की जो नसें खुली खोलने की जो दवाइयाँ देनी या स्टेंट डालने या बाईपास करना, तो वो कार्डियक सर्जन करते हैं। तो ऐसे ही आप सोचो पूरे शरीर में हमारे खून की नसें दौड़ रही हैं, तो उनको हम लोग ट्रीट करते हैं। तो अगर आपके गले की नसें बंद हो गई, बाजू की नसें बंद हो गई, छाती की नसें बंद हो गई, पेट में खून की नसें ब्लॉक हो गई, पैरों की खून की नसें ब्लॉक हो, तो जहाँ पे भी ये ब्लॉकेज होगी उन बीमारियों को अगर जो लोग ट्रीट करते हैं उनको वैस्कुलर सर्जन बोलते हैं। तो ये जो ट्रीटमेंट है ये बहुत सारे तरीकों से किया जा सकता है, सो जरूरी नहीं है कि सर्जरी ही करनी पड़ती है, तो इसकी प्रिवेंशन के बहुत सारे तरीके हैं। सो ये सब बीमारियों को हम इस ब्रांच के अंदर लेते हैं। जैसे आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली, फुट की बात बोली, और डायबिटिक की वजह से डायबिटिक पेशेंट हैं जो आजकल फुट की बहुत ज़्यादा बड़ी जो है एक एपिडेमिक बना हुआ है इसमें, क्योंकि शुगर जो बहुत ज़्यादा पंजाब में, तो हम खास कर बोले पंजाब हरियाणा, तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो क्या ये जो डायबिटिक फुट वाले पेशेंट हैं उनके लिए भी ट्रीटमेंट आपके वास्कुलर सर्जन? इसी डायबिटिक फुट जो है इट्स ए वेरी कॉम्प्लेक्स डिजीज, ठीक है, एंड शुगर हमारा वर्ल्ड एंडेमिक है, मतलब हमारा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डायबिटिक्स हैं पूरे वर्ल्ड में, तो उसमें 10-30% लोगों को डायबिटिक फुट की प्रॉब्लम होएगी इन देयर लाइफ टाइम। एंड अनफॉर्चुनेटली डायबिटिक फुट स्पेशलिस्ट जो हैं बहुत कम हैं, इसीलिए डायबिटिक फुट से जो एम्पुटेशन होते हैं, जो पैर कटने की बीमारी रहती है, बहुत कॉमन है हमारी कंट्री के अंदर, पर कोई डाटा नहीं है हमारी कंट्री में, एज हमारी कंट्री में किसी और बीमारियों के भी डाटा बहुत कम बीमारियों के हैं। बट डायबिटीज के कारण हमारे शरीर के अंदर दो तरह की बीमारियां हो सकती हैं, एक करंट वाली नसें खराब हो सकती हैं जिसको डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं, उसके कारण जो भी पैर के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं, इन्फेक्शन हो गया, कैलस हो गया, उनको हम ट्रीट करते हैं। एक शुगर के कारण हमारे पैर में खून की नसें ब्लॉक हो जाती हैं,
जिसके कारण हमारे पैर में गैंग्रीन हो सकता है, जिसको पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज के नाम भी दिया जाता है, एंड उसके कारण पैर में इन्फेक्शन हो जाती है, एंड उसके कारण पैर तो कटने का चांस रहता ही है, बट अगर ठीक से टाइम पे ट्रीट ना किया जाए तो पेशेंट के मरने के चांसेस भी रहते हैं इन्फेक्शन के कारण। तो ये सारा जितना भी डायबिटिक फुट से रिलेटेड चीजें होती हैं, इनको हम डील करते हैं। तो अगर खून की नसें खोलनी है, तो बहुत सारी एडवांस एंडोवैस्कुलर टेक्निक्स आ गई हैं जिसके पैर की खून की नसें हम नियरली अंगूठे तक खोल सकते हैं, मतलब वहां तक ब्लड सप्लाई पहुंचा सकते हैं। इन्फेक्शंस हैं उनको हम डिब्राइड करके एंटीबायोटिक से डायबिटिक शुगर कंट्रोल्स करके कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर पेशेंट ठीक टाइम पे आ जाए तो 90-95% पेशेंट्स के पैर हम बचा सकते हैं। एंड सब फिस्टुला जो कि आजकल बहुत ज्यादा हर इंसान जो है, हर सर्जन कोशिश करता है, लेकिन आप वास्कुलर सर्जन हो, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप किडनी ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट है और हैं, तो फिस्टुला की उनको बहुत ज्यादा बड़ा मतलब जो है एक परेशानी सी बनी रहती है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, क्योंकि क्या है हमारी कंट्री में, क्योंकि डायबिटीज ज्यादा है तो डायबिटिक्स रिलेटेड किडनी फेलियर बहुत कॉमन हो जाता है। किडनी जब फेल हो जाती है तो सबसे बेस्ट जो ट्रीटमेंट है वो किडनी ट्रांसप्लांट, बट किडनी ट्रांसप्लांट होना इतना इजी नहीं है, उसके लिए हमारे को डोनर्स चाहिए, बहुत सारे इश्यूज हैं। तो जब तक हम किडनी ट्रांसप्लांट का प्रोग्राम वहां तक नहीं पहुंचता पेशेंट, तब तक पेशेंट को डायलिसिस के लिए एक्सेस चाहिए, जिसका नाम होता है आर्टरियो वीनस फिस्टुला, जो कि बाजू में बनाया जाता है। दो खून की नसों को हम छोटा सा कट देके जोड़ते हैं, लेकिन ये बहुत ही लोग इसको बहुत सिंपल सा प्रोसीजर समझते हैं, पर मैं इसको बहुत सीरियसली लेता हूँ, बिकॉज पेशेंट्स के लिए जो ये एक्सेस है ये बहुत लिमिटेड है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 3 या 4 वेन के ऑप्शंस ही रहते हैं दोनों बाजू में। अगर आपने इसको ठीक से सर्जरी नहीं करी, या आपने इसको पेशेंट को एक्सेस नहीं किया अल्ट्रासाउंड करके ऑपरेशन से पहले, डिसाइड नहीं किया कि पेशेंट के लिए सबसे बेस्ट फिस्टुला की साइट कौन सी है, तो फिस्टुला फेलियर का रिस्क बहुत हाई रहेगा। तो नॉर्मली अगर हम वर्ल्ड लिटरेचर भी देखें तो द सक्सेस रेट जो प्राइमरी फिस्टुला का है वो अराउंड 70% ही है। एंड अगर मैं सोचता हूँ, अगर हमारे इंडिया में एक्सेस देखेंगे जितने जिस हिसाब से हमारे पास पेशेंट आते हैं, तो हमारा यहाँ सक्सेस रेट विल नॉट बी मोर देन 50%। बट हमारे यहाँ पे अप्रॉक्सिमेटली हमारे सेंटर में हमने लास्ट ईयर एनालिसिस किया था, आज सक्सेस रेट गोज देन मोर देन 90% सक्सेस रेट। वो इसलिए क्योंकि हम बहुत ही फिनिकी हैं और बहुत ही ध्यान देते हैं कि पेशेंट को फिस्टुला दोबारा दोबारा बनाने की जरूरत ना पड़े। एंड सब इसके साथ ही आजकल जो एक बहुत बड़ा एपिडेमिक है लेडीज में भी और जेंट्स में भी, एक वेरिकोज वेन, जो कि एक ऐसी उनको लाइटनेस से कैसे हर पहले स्टार्ट होती है और वो लाइट लेते रहते हैं उसको, उनको लगता है कि नहीं ये है हमारी माल से सही हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, लेकिन बाद में वो बहुत विकराल रूप धारण करेंगे। क्या कहना चाहेंगे वेरिकोज वेन के बारे में? वेरिकोज वेन के बारे में तो बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है, बट मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा। वेरिकोज वेन्स क्या होती हैं? नीले रंग की खून की नसें अगर हमारे टांगों में खड़े होने पे मोटी मोटी दिखाई देंगे तो हमारे को इजिली डायग्नोज हो जाता है कि पेशेंट को वेरिकोज वेन्स है। वेरिकोज वेन्स होती क्यों है? क्योंकि नीले रंग की खून की नसें, जिनका पर्पस होता है टांगों से ब्लड ऊपर लेके जाना हार्ट तक, हमारे हर बंदे के हाथ में, उसके अंदर वॉल्व्स होते हैं, तो ये जेनेटिकली वॉल्व्स खराब हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं पता कि हमें नहीं पता किस मरीज को खराब होंगे किसको नहीं। तो बेसिकली अगर फैमिलीज में रन करता है, तो अगर आपके मदर फादर को वेरिकोज वेन्स हैं तो आपको चांसेस होने के 40-50% चांसेस हैं कि आपको वेरिकोज वेन्स होंगे। एक बार आपको वेरिकोज वेन्स हो जाएं, जैसे आपको नीले रंग की खून की नसें जो टांगों में दिखती हैं, तो अगर हम उसको छोड़ दें तो ये प्रोग्रेसिव डिजीज होती है, मतलब हर 2 या 3 साल के बाद अगर हम देखेंगे वो बड़ी दिखाई देंगी आपको। एंड अगर हम उस बीमारी को छोड़ देते हैं तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे क्लॉट बनना, इसके अंदर फट जाती हैं कई मरीजों में ये बढ़ के हमारी पूरी चमड़ी जो है एंकल के पास वो पूरी नीली कर देते हैं, ब्लैक हो जाती है फिर चमड़ी, फिर इसके अंदर वीनस अल्सर जिनको फोड़े बोलते हैं वो हो जाते हैं। तो इस बीमारी को कभी भी हम कॉस्मेटिकली नहीं लेते, सो इसलिए वेरिकोज वेन्स को एज सून एज पॉसिबल हमें इलाज इसका कराना चाहिए। वेरिकोज वेन्स कॉमन क्यों है कि अगर हम वर्ल्ड लिटरेचर देखें, और इंडिया की भी हम आजकल डाटा सेंसिस कैलकुलेट कर रहे हैं हम अपनी सोसाइटी के थ्रू, तो 10-14% ऑफ द पीपल आर गेट अफेक्टेड, तो बहुत बड़ी मात्रा में लोग इफेक्ट होंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर पेशेंट को सर्जरी चाहिए या हर पेशेंट को ट्रीटमेंट चाहिए। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको हम सिर्फ यू नो फिजिकल अवेयरनेस की भी, आप अपना वजन कम करिए, प्लेंटी ऑफ वॉक करिए, एंड कुछ पेशेंट्स को स्टॉकिंग से ठीक कर सकते हैं। जब पेशेंट्स की स्टेज 2 या स्टेज 3 में वेरिकोज वेन्स पहुंच जाती हैं, तब गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट आजकल जो है वो लेजर से हम करते हैं। तो लेजर ट्रीटमेंट क्या होता है?
इसके अंदर कोई कट वगैरह नहीं लगता, कोई स्टिचेस नहीं होते, लोकल एनेस्थीसिया में ये किया जाता है। आप आके करा के एक घंटे में घर जा सकते हैं, आपको छुट्टी लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, आप अगले दिन से अपने काम पे जा सकते हैं। एंड बहुत ही सेफ प्रोसीजर है एंड इसका सक्सेस रेट आजकल 95-99% तक, इट्स सक्सेसफुल, इट्स अ वेरी वेरी सक्सेसफुल प्रोसीजर। सो तो कुछ कुछ पेशेंट्स को हमें ये लेजर से इसको ठीक करना पड़ता है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे आपने बताया हमारे दर्शकों को कि कई बार फिजिकली जैसे लोग खड़े होते हैं रसोई में, उनको खाना बनाना लेडीज को बनाना पड़ता है, और मतलब कैसे आप फिजिकल मतलब क्या क्या हमारे दर्शकों को थोड़ा शेयर करें, किस तरह से हम लोग इसको थोड़ा बचा सकते हैं। देखिए ऐसा है कि बहुत सारा ये है कि भी अगर हम लंबा देर के लिए खड़े रहेंगे, लंबे देर के लिए, तो हमारे को वैरिकोस वेंस हो जाएंगे। वो कुछ हद तक ट्रू है, कुछ हद तक फॉल्स है, क्योंकि सब लोग जो बहुत लंबा देर खड़े रहते हैं सबको वैरिकोस वेंस नहीं होती, तो वो जेनेटिक कंपोनेंट भी आपको चाहिए साथ में। मींस अगर प्रेग्नेंट है कोई लेडीज, उनके 2-3 बच्चे हो चुके हैं, तो यूट्रस के प्रेशर से आपके वेंस के ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो वो ज्यादा थोड़ा प्रोन होती हैं वैरिकोस वेंस के लिए। बट साथ में उनके जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी चाहिए, मींस उनको जेनेटिक फैक्टर भी हो, थोड़ा सा प्रेगनेंसी होगी, उसी तरह खड़े होने से। तो अगर आपको थोड़ा सा जेनेटिक इन्फ्लुएंस है, आपके पेरेंट्स को था, आपके फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, और आप बहुत लंबी देर तक खड़े रहते हैं, जैसे फ्रूट वेंडर्स हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, तो बहुत लंबी लंबी ड्यूटीज हैं इनकी, तो उन पेशेंट्स को चांसेस जो हैं ज्यादा रहेंगे होने के लिए। इन टर्म्स ऑफ प्रिवेंशन हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं, एक कि आपने अपना वेट नहीं बढ़ने देना, क्योंकि वेट बढ़ता है तो इंट्राब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज प्लेंटी ऑफ वॉकिंग, वो हर चीज से, हर चीज के लिए अच्छा है, यू नो, आपके काफ मसल्स के लिए भी, आपके वेन्स के लिए भी, आपके हार्ट के लिए भी, तो प्लेंटी ऑफ वॉकिंग वी शुड डू। एंड थर्ड इज कि आपने, अगर आपको वेरिकोस वेन्स हो जाए तो आप प्लीज उनको लंबा मत छोड़िए। सो प्लीज डोंट कंसिडर कि ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरिकोस वेन का सबसे बड़ा इशू है सिम्टम्स नहीं होते, तो पेशेंट को पेन नहीं होता तो पेशेंट हॉस्पिटल नहीं जाते, सो एक बहुत बड़ा इशू है। तो इसलिए वेरिकोस वेन्स अगर आपको हैं तो प्लीज उनको लंबा मत छोड़िए, उनको ट्रीट कराइए। आज का ट्रीटमेंट बहुत सेफ और सिंपल है। जैसे जैसे आपने लेजर की बात कही है कि ये जो एक डे के प्रोसीजर है, लोगों को फिर भी थोड़ा डर लगता रहता है कि लेजर का मतलब, तो एक तरह का मतलब उनको ये लगता है कि जैसे आपने लोकल एनेस्थीसिया की बात करी है कि एक तरह का ऑपरेशन ही है, तो हमारे दर्शकों को थोड़ा गाइड करें कि लेजर के साथ ये तो बिल्कुल कोई कट नहीं है, कैसे क्या करें। देखिए लेजर क्या होता है, कॉन्टैक्ट लेजर है, मींस जहां पे भी हम सिर्फ टच करेंगे वहीं पे लोकलाइज बर्न होगा छोटा सा, एंड दैट बर्न इज ओनली लाइक 0.1 मिलीमीटर एरिया। तो ऐसा नहीं है कि हमने वेन के, तो हम क्या कहते हैं वेन के अंदर घुस जाते हैं अल्ट्रासाउंड से लोकल एनेस्थीसिया में, और सिर्फ वेन वेन की वॉल बर्न करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लेजर एनर्जी पूरे बॉडी में चली जाती है, सिर्फ लोकलाइज बर्न होगा। तो अगर मैं जैसे हवा में ऐसे लेजर एनर्जी यूज उसको ऑन करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा आपको, अनलेस आप उसको लेजर को टच नहीं करोगे, अगर टच करोगे तो आपका हाथ जल जाएगा, ठीक है। एंड जो टिप होता है लेजर का, वो इट इज समवेयर अराउंड 90-100 degrees। तो आजकल हमारे पास लेटेस्ट मशीन है 1940 नैनोमीटर लेजर, ये लाइक इंडिया में पहली बार जो हम लोगों ने यहाँ पे लगाई थी, उसमें टेम्परेचर और कम है 60-70 degrees, मींस और सेफ्टी प्रोफाइल और बढ़ जाता है। इट्स यू नो अभी वर्ल्ड में बहुत न्यू टेक्नोलॉजी है ये। सो लेजर एज सच बॉडी पे आपके कोई इफेक्ट नहीं करता, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड इज इट इज ओनली एट ए पर्टिकुलर एरिया जहां पे हम वॉल खराब है, वॉल को बंद करना चाहते हैं, तो वहीं पे लेजर एनर्जी हम यूज करते हैं। थर्ड, ये बहुत सेफ प्रोसीजर है, हम लोग अराउंड 20 ईयर से लेजर कर रहे हैं ये सेम प्रोसीजर, तो टेक्नोलॉजी हैज टोटली एडवांस्ड, एंड द चांसेस जो कॉम्प्लिकेशन के होने के बिल्कुल नियरली 0.1% भी लेस रह गए हैं। यू नो इट्स अ वेरी वेरी सेफ प्रोसीजर, इसीलिए हम लोग, इट्स अ वॉकिंग प्रोसीजर, मतलब हमारे को प्रोसीजर में 15 मिनट लगते हैं टोटल, तो 1 घंटा हॉस्पिटल के अंदर लगता है टोटली, एंड पेशेंट कैन वॉक होम। जैसा आपने आज से, जैसे आपने 20 इयर्स की एक्सपीरियंस की बात कही, आप तब भी वेरिकोस वेन के एक बहुत ही माने हुए डॉक्टर थे, और आज जबकि आपके पास असिस्टेंस आ गई है, इतनी बड़ी मशीनरी की असिस्टेंस आ गई है, एक्सपीरियंस आपका हो गया, आपने बहुत तरह के जो है वेरिकोस वेन के साथ जो है आपने टचिंग कर ली है, क्या ये भी कारण है कि वेरिकोस वेन के लिए एक एप्रोप्रिएट, जैसे हम पंजाब में गए तो ये जो सेंटर है फोर्टिस हॉस्पिटल है, ये एक बिल्कुल मतलब इस चीज के लिए बड़ा जो है एक सेंटर भी है, और आपका जो एक्सपीरियंस है 20 इयर्स का, और इसी चीज में वेरिकोस वेन में और नई मशीनरी में, जैसे आपने बोला कि अब वो टेम्परेचर और भी कम हो गया क्योंकि आप लोग वर्ल्ड की लेटेस्ट मशीनरी यहाँ यूज करें। देखिए दिस इज
द मोस्ट एडवांस वेरिकोज वेन सेंटर, एंड मैं प्राउडली बोलूंगा कि वर्ल्ड में जितनी भी टेक्नोलॉजी वेरिकोज वेन्स की हैं वो हमारे पास हैं किसी भी कंट्री में। एंड और ये भी बोलूंगा अभी ऐसा एक भी और सेंटर नहीं है इंडिया में जिसमें हर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, नॉट ए सिंगल सेंटर। तो हमारे पास ऑल 7 to 8 टेक्नोलॉजी जितनी भी यू नो वर्ल्ड में है सब हमारे पास हैं और हम रूटीनली यूज करते हैं उसको, पहली पार्ट। सेकेंड इज 9 साल से हम लोगों को ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 500 डॉक्टर ऑल ओवर वर्ल्ड से यहाँ के वेरिकोस पेन सर्जरी की ट्रेनिंग ले चुके हैं जिनको हम लाइव ट्रेनिंग देते हैं पेशेंट्स को, मतलब डॉक्टर्स को। सो इट्स ए वर्ल्ड रेनाउंड यू नो वेल रिकॉग्नाइज्ड वेरिकोस पेन ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। सो हम लोग टेक्नोलॉजी आगे पास कर रहे हैं सो दैट पीपल दूर दूर से आके सीख के एंड ये टेक्नोलॉजी को अपने सेंटर्स में और अपनी सिटीज में यूज कर सके। ऐसा लोगों को थोड़ा डर लगता है जब 40s का नाम आता है कि पता नहीं कितना महंगा होगा और ये 40s मोहल्ली है, क्या कहना चाहेंगे कि जैसे जैसे टाइम बीता जाता है आपके पास टेक्नोलॉजी नई आ जाती है और आप बिल्कुल ही मतलब जो है इसमें इतना ज्यादा कोई मतलब हुए वाली या इतनी डर वाली बात नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अगर उसके सारी जिंदगी का एक रिजल्ट उसको मिलता है, उसकी वेरिकोज वेन से बिल्कुल निजात पाता है, तो उसके लिए ये भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि वो बहुत देर तक वो टंकाइजर और जो है मेडिसिन लेता रहता है जिनके साथ साइड इफेक्ट्स भी बहुत होते हैं। देखिए इम्पॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी जितनी भी है सारी कॉस्ट के साथ आती है। सेकंड है हम लोग बहुत सामान जो यूज़ करते हैं वो बिल्कुल यू नो वी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते उसमें क्वालिटी में कि भी लो क्वालिटी सामान यूज़ कर लें समथिंग लाइक दैट। अगर हम रेट से देखें, अगर सारे वर्ल्ड के रेट से देखें डेफिनेटली हमारे कम है, और अगर हम इंडिया से कंपेयर करें फोर्टिस किसी भी यू नो टॉप मोस्ट प्राइवेट सेंटर में पूरी कंट्री के साथ, तो हमारे 10 to 20% लेस हैं एज कम्पेयर टू द होल कंट्री। एंड अगर हम पर्टिकुलरली कंपेयर करें मतलब हम जो है तो अप्रॉक्सीमेटली 95,000 का पैकेज है जिसके अंदर हम डैट इंक्लूड्स एवरीथिंग, तो जिसके अंदर हम सारा करके देते हैं यू नो अगर पेशेंट को पर्टिकुलरली पता लगना है कि हाँ। बट अगर आपका माइनर वॉल्व खराब है कोई छोटा सा ना, एक तो छोटे मतलब माइनर वॉल्व खराब है जिसको हम सिर्फ दवाई डाल के लेजर नहीं यूज करते, लेजर मशीनरी एक्सपेंसिव है, अगर हम सिर्फ दवाई डाल के उसको बंद करते हैं तो कॉस्ट डिक्रीज टू 10 to 20,000 ऑल्सो। सो यू नो इट डिपेंड्स अपॉन कि हम क्या यूज कर रहे हैं, बट अगर हमारे को लेजर यूज करना पड़ता है मशीनरी के साथ पूरा सो कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा है। बट अगर हम सिंपल टेक्निक यूज करते हैं, अगर यू नो माइनर वॉल्व खराब हैं आपके तो फिर हम सस्ते में कर सकते हैं, बट अगर मेजर वॉल्स खराब हैं तो फिर हमें लेजर यूज करना चाहिए बिकॉज तब लेजर से ही सबसे बेस्ट रिजल्ट आते हैं। अंडरसा एक आपने टर्म स्टॉकिंग्स की बात कही है, और 40s हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है जो जैसे आपने कहा किसी चीज के साथ हम समझौता नहीं करते, और स्टॉकिंग्स में भी आपका यहाँ नंबर वन है, आप गाइड ही वैसा करते हैं स्टॉकिंग्स, आप पहले से उनको ऐसे गाइड कर देते हैं, उसके बारे में बताएं क्योंकि स्टॉकिंग्स देयर आर सो मेनी पीपल जो बना रहे हैं पंजाब के विच, लेकिन जो 40s वाले हैं वो एक स्पेशलाइज्ड, और उसके बारे में। देखिए बहुत आप बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन सवाल उठा रहे हैं। एक्चुअली अगर हमने 2 साल पहले मार्केट में हमने एनालिसिस किया था, मैं अभी कंपनीज के नाम नहीं लूंगा बिकॉज दैट इज डज नॉट लुक गुड, हमारी आई फील ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि कोई भी बंदा ऐसे ही स्टॉकिंग्स ना बेच पाए मार्केट के अंदर। सो हम लोगों ने 7 ब्रांड्स चेक किए थे, सिर्फ 2 ब्रांड्स की स्टॉकिंग्स मार्केट के अंदर थी जो थोड़ी सी ठीक हैं, और 5 ब्रांड की स्टॉकिंग्स ऐसी थी कि गवर्नमेंट को उनको बैन करना चाहिए कि उनको बिकनी नहीं चाहिए क्योंकि पेशेंट्स को तो नहीं पता कि क्या स्टॉकिंग्स लेनी है। एंड 5 साल पहले जब हमने एनालिसिस किया था, 100 डॉक्टर से इंटरव्यू की थी, आप बिलीव करोगे सिर्फ 5% डॉक्टर बता पाए थे कि राइट प्रेशर क्या होना चाहिए स्टॉकिंग्स का। और हमने 200 प्रिस्क्रिप्शन की एक स्टडी की थी जिसके अंदर एक भी प्रिस्क्रिप्शन पे राइट प्रेशर स्टॉकिंग्स का मेंशन नहीं किया था, सिर्फ लिखा गया था स्टॉकिंग्स, कोई नहीं लिखा घुटने के नीचे चाहिए घुटने के ऊपर चाहिए, स्टॉकिंग्स कौन सी होनी चाहिए, उसकी गाइडलाइंस क्या है स्टॉकिंग डालने के लिए, उसका प्रेशर कितना होना चाहिए। तो आपने डॉक्टर ने लिखा स्टॉकिंग, मरीज ने शॉप पे गया लिखा जी स्टॉकिंग दे दो, तो शॉप वाले जिसमें सबसे ज्यादा मार्जिन होता है स्टॉकिंग पकड़ा दी। सो ना तो उसका साइज लिया जाता है किसी मरीज का, ये हमने स्टडीज की है यहाँ पे सारा एनालिसिस करके,
एंड ना मरीज का साइज लिया जाता है, जो डब्बा सामने दिखा हाँ लग रहा है 3 नंबर आएगा, अब ले भाई मीडियम ले लो। एंड इसीलिए कंप्लायंस ही होती स्टॉकिंग्स की पेशेंट के साथ बहुत पुअर थी, पेशेंट डालते नहीं थे क्योंकि साइज नहीं राइट आएगा तो कैसे डालेंगे। उसके बाद वो लूज थी, उनका कोई फायदा ही नहीं है, वो डाल रहे हैं मरीज बट उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। तो स्टॉकिंग जो है मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉकिंग जो है घुटने के नीचे डालनी चाहिए, बहुत फ्यू मरीज हैं जो घुटने के ऊपर स्टॉकिंग्स के जिनको देनी चाहिए, पहली बात। उसका रीजन भी है, साइंटिफिक रीजन है। सेकेंड ये, जो भी स्टॉकिंग्स हम लें हम ट्राई करें उसको कॉटन दें, क्योंकि हमारे वेदर के हिसाब से अगर हम सिंथेटिक यूज करते हैं सिंथेटिक सस्ती आती है, पर कई लोग सिंथेटिक को ही कॉटन के रेट पे बेचे जा रहे हैं, बहुत गड़बड़ है मार्केट के अंदर। पर ये तो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, दे यू नो गवर्नमेंट शुड टेक ऑल दिस इनटू कंसंट्रेशन इनटू दिस। एंड सिंथेटिक्स स्किन के लिए बहुत अच्छी नहीं रहती है, अगर स्पेशली फॉर मेल्स, क्योंकि अगर हेयर फॉलिकल्स हैं तो उसमें फॉलिकुलाइटिस होने का डर है। थर्ड इज उनका प्रेशर जो है 20 से 30 मिलीमीटर मर्करी होना चाहिए मिनिमम। अब वो मेजर कैसे करेंगे किसी को नहीं पता, सो देयर इज अ डिवाइस, ऐसा नहीं है। तो कोई भी मैन्युफैक्चरर है स्टॉकिंग्स बना रहा है, ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं जिनमें जो जो पास करते हैं स्टॉकिंग्स को मार्केट्स के अंदर, तो दे शुड टेक दैट मशीन, मेजर की वो स्टॉकिंग इतना प्रेशर दे भी रही है कि नहीं। अगर वो नहीं दे रही है तो उनको बेचने के लिए अलाउ नहीं होना चाहिए वेरिकोस वेन्स के लिए, यू नो बोले बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है इसके पीछे। दर्शकों अगर हम शॉर्ट्स में बात करें तो स्टॉकिंग जब लेनी भी है तो भी जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि ये एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर जब आपको बता रहा है और उसको गाइड कर रहा है, आप उनको एक बार जरूर डॉक्टर से मिलकर दिखाओ कि ये स्टॉकिंग्स हैं मेरी, ये देखो मैं अब पहन रहा हूँ। डॉक्टर साहब आज आपने हमें त्योहार का दिन था फिर भी आपने हमें समय दिया, पंजाब प्लस को हम आपके आभारी हैं और हम चाहेंगे कि जैसे आपने हमारे दर्शकों को गाइड किया है स्टॉकिंग्स के बारे में, खास करके वेरिकोज वेन्स के बारे में, फेस्टुला के बारे में, क्योंकि फेस्टुला में बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है लोगों को, और जैसे आपने डायबिटिक फुट के बारे में हमारे दर्शकों को अवेयर किया है। हम चाहेंगे कि चैनल के माध्यम से हम लोग आपकी सुनाएं लोगों के साथ शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पंजाब प्लस।